विश्वास मत से एक दिन पहले बिहार में सियासी गतिविधियां चरम पर, आज बीजेपी कर सकती है निर्णायक फैसला। सूत्रों के मुताबिक सभी 86 बीजेपी विधायक मांझी के समर्थन में, आधिकारिक ऐलान का इंतजार। ये अधिकांश ही नहीं, आप इसको आम विधायक कह सकते हैं, और अभी तक जितने विधायकों ने अपनी बात रखी है किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मांझी जी को समर्थन नहीं करना चाहिए। तो यही ये बिहार में लंच डिनर डिप्लोमेसी तेज, आज शाम नीतीश कुमार देंगे विधायकों को डिनर। नीतीश कुमार ने लगाया इल्जाम, मांझी और मोदी बिहार में लगाना चाहते हैं राष्ट्रपति शासन। बिहार में बीजेपी ने किया सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार, नीतीश खेमे को विपक्षी दल का दर्जा देने की मांग पर स्पीकर ने बुलाई थी बैठक। नीतीश खेमे ने विपक्षी दल का दर्जा नहीं मिलने पर कोर्ट जाने की कही बात। नीतीश कुमार ने कहा मांझी 3 एजेंडे के साथ गए थे दिल्ली, गुप्त मतदान, स्पीकर की गिरफ्तारी और बीजेपी का समर्थन। सूरत में पीएम मोदी के सूट और सामानों की नीलामी का आज दूसरा दिन, बोली लगाने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग। 1,21,00,000 तक पहुंची मोदी के गोल्डन सूट की बोली, बिजनेसमैन राजेश जुनेजा ने लगाई बोली। बोली लगाने जब 21 लाख, 1,21,00,000 और नमो सूट में ऐसा क्या है कि आप नमो सूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। आई लाइक ओनली नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने दिया कांग्रेस को जवाब, कहा नीलामी का पैसा नमामि गंगे कार्यक्रम में जाए, लगाए जाने का फैसला पीएम की सकारात्मक सोच का प्रतीक। कांग्रेस के आरोपों को बताया नकारात्मक सियासत। आम आदमी पार्टी के बिजली पानी वादे को पूरा करने में लगेंगे 1,700 करोड़, अफसरों ने प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री को सौंपा लेखा जोखा। 400 यूनिट तक बिजली की सब्सिडी पर 1,400 करोड़ का सालाना खर्च, पानी के लिए सालाना 300 करोड़ का रखना होगा बजट। बिजली कंपनियों ने बिजली के रेट बढ़ाने के लिए कोर्ट में दी दलील, घाटा पाटने के लिए महंगी करनी होगी बिजली। डीएससीएस ने कहा उन्हें 6,000 करोड़ का घाटा, डीईआरसी की दलील है कि घाटा बिजली कंपनियों की अपनी गलती की वजह से। आम आदमी पार्टी के 70 सूत्री एजेंडे को लेकर सीएम की बैठक, सभी विभागों के अध्यक्ष और सचिव लेंगे हिस्सा। आज दूसरे दिन भी कौशाम्बी दफ्तर में लगेगा केजरीवाल का जनता दरबार, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पहुंचे लोगों की सुनेंगे समस्याएं। हर बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली के लोगों से मिलेंगे सीएम। केजरीवाल के अलावा दिल्ली के मंत्री असीम अहमद, मनीष सिसोदिया, जितेंद्र तोमर, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय समेत तमाम मंत्रियों ने लगाए जनता दरबार। योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट, आम आदमी पार्टी लड़ेगी किसानों की लड़ाई, 21 फरवरी को गुड़गांव से शुरू होगा जय किसान अभियान। दिल्ली के रोहिणी से जीते विधायक विजेंद्र गुप्ता को बीजेपी ने चुना विधायक दल का नेता, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के हैं महज 3 विधायक। राजस्थान के सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, किसानों को करेंगे सम्मानित। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के बीच डील आखिरी दौर में, आज राम माधव पार्टी अध्यक्ष के सामने रखेंगे न्यूनतम साझा कार्यक्रम। बीजेपी ने कहा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर नहीं झुकेगी पार्टी, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है दावा, पीडीपी के साथ गठजोड़ फाइनल, सिर्फ 6 साल के मुख्यमंत्री को लेकर अटका है मामला। बनर्जी 3 दिन के दौरे पर जा रही है बांग्लादेश, मंत्रियों और कारोबारियों से मुलाकात का कार्यक्रम। गुजरात के पोरबंदर में पाकिस्तानी बोट में धमाका मामले में कोस्ट गार्ड के डीआईजी का विवादास्पद बयान, कहा कोस्ट गार्ड ने उड़ाई थी पाकिस्तानी बोट। मीडिया में मुद्दा उठने पर बयान से पलटे डीआईजी, कोस्ट गार्ड ने भेजा कारण बताओ नोटिस। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा सरकार अपने पुराने बयान पर कायम, अगर किसी ने कुछ गलत कहा तो जांच के बाद होगी कार्रवाई।
मेक दैट स्टेटमेंट प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड वट एवर यू से वट इज रिपोर्टेड वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन इफ रिक्वायर्ड इफ ही हैज मेक दैट स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग अ प्रॉपर इंक्वायरी देर इज अ प्रोसीजर विच हैज टू गो आई विल डू दैट प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट में तिस्ता सी तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत याचिका। एक दंगा पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई कर रही गुजरात पुलिस। फंड के निजी इस्तेमाल की शिकायत, म्यूजियम के लिए थे पैसे। स्विट्जरलैंड में एचएसबीसी बैंक की जेनेवा इकाई के कार्यालयों में छापे। दस्तावेजों की हुई जांच, कालेधन को वैध बताने के मामले के आरोपों को लेकर छापेमारी। खाताधारकों में भारतीयों के भी नाम हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को मिली राहत। कोयला घोटाले से जुड़े केस में कोर्ट ने मधु कोड़ा को जमानत दी। मधु कोड़ा के साथ ही 8 अन्य आरोपियों को भी जमानत। 5 लाख के मुचलके पर छूटे सभी आरोपी। शारदा स्कैम में सीबीआई ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। संजय बोस, कुणाल घोष, मदन गोपाल मित्रा, सुदीप्त सहित 3 कंपनियों के भी नाम। आसनसोल में हथियारों के साथ 4 लोग गिरफ्तार। चारों हैं झारखंड के रहने वाले। इनके पास से एक मारुति कार भी बरामद। स्वाइन फ्लू के खौफ पर सरकार ने दिया देश को भरोसा। कहा देश में नहीं है दवा की कमी, खौफ में ना आए लोग। फ्लू से अब तक 663 लोगों की हो चुकी है मौत। इस साल 10,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं इस बीमारी की गिरफ्त में। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले पर दिल्ली सरकार भी हरकत में। 13 सरकारी और 12 निजी अस्पतालों से स्वाइन फ्लू की दवा का स्टॉक डबल करने को कहा। प्राइवेट मेडिकल लैब को फरमान, स्वाइन फ्लू के लिए 4,500 रुपए से ज्यादा ना वसूलें। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्वाइन फ्लू की जांच कराने के लिए मरीजों की लगी कतार। जिले में अब तक 4 लोगों की मौत। लखनऊ में स्वाइन फ्लू को लेकर आला अधिकारियों की आपात बैठक। यूपी में अब तक 6 लोगों की मौत। 141 मामले आए सामने। चौबीस घंटे में हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 2 मरीजों की मौत से सनसनी। 9 और मरीजों में पाए गए बीमारी के लक्षण। जम्मू कश्मीर में 2 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत। श्रीनगर में 70 मरीजों का टेस्ट पॉजिटिव। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में बेमियादी हड़ताल पर डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई बदतमीजी का विरोध। हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी, सड़क किया जाम। 3 दिनों से फ्लू से परेशान है दक्षिण अफ्रीका के स्पीड स्टार डेल स्टेन। रविवार को भारत के खिलाफ खेलना तय नहीं। भारत से पिटने के बाद भंवर में डोल रहा है पाकिस्तान का मिशन वर्ल्ड कप। खिलाड़ियों के बुरे बर्ताव से खफा फील्डिंग कोच ने दी टीम छोड़ने की धमकी। चीनी नए साल के स्वागत की जोर शोर से तैयारी। न्यूयॉर्क में हडसन नदी के पास आतिशबाजी। चीन के झिंजियांग प्रांत में एलईडी बल्बों के साथ लाइट शो। 8,000 लालटेनों का इस्तेमाल।